सरकारी बंगले से नल की टोटी, एसी, टीवी, बाथरूम का आईना, टेलीफोन का वायर, किचन का प्लेटफॉर्म, बिजली के खंभे से फ्लड लाइट आदि गायब होने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोदकर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसे निकाल लिए थे। उसी प्रकार से सरकारी आवास से चोरी की गई है। इस बयान के बाद पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि इसके लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मंत्री एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को तो सबसे पहले बयान देने के पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से, और अगर आवश्यकता समझते तो मुझसे पूछ लेना था। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है, और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले जा सकता? वहाँ जो दो तीन एसी लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था, मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का मैं वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। और मैं अभी बात करूंगा मंत्री जी से भी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से, उनको तो आके माफी मांगना चाहिए, और अगर उनको जरूरत है तो पीडब्ल्यूडी जितना सामान मुझको इशू किया था वो खुद आ जाए, मीडिया को बुला ले और अपने दो चार मित्रों को बुला ले, दोनों एक एक सामान गिनवा ले वहां पे। तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करना उचित नहीं है। अब मैं बात करूंगा, मैं तो पहले मंत्री जी से बात कर लेता हूँ, वो माफी मांग लेते हैं तो फिर और कहीं बात करने की जरूरत नहीं है।